एक्स स्क्वेर्ड ओवर 2 प्लस 3x क्यूब टू द पावर ऑफ 3, इस पूरे का अगर हमें एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल निकालना है, तो ये क्योंकि एक बड़ा सब टर्म है जो कि एक पावर पे पावर से रेज्ड है, तो इसको ही सब्स्टिट्यूशन में यूज़ करते हैं. तो लेट्स टेक वी टू बी इक्वल टू 2 प्लस 3x क्यूब, यानी कि डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा एज 3 टाइम्स, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है तो उसको तो भूल जाएंगे, 3 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो 9x स्क्वेड. यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट डी वी इज इक्वल टू 9x स्क्वेड डी एक्स. अब इन दोनों चीज़ों को, ये सब्सटीट्यूशन और ये डिफरेंशियल फॉर्म को इधर पुट करके देखते हैं. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वेड डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये तो हमें यूज ही किया है तो इधर वी यूज़ कर लेंगे, तो वी क्यूब. अब एक्स स्क्वेड डी एक्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं दैट एक्स स्क्वेड डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन 9, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे. सो डी वी अपॉन 9 वी क्यूब, या फिर 1 ओवर 9 टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव वी रेज टू द पावर नेगेटिव 3 डी वी. ये पावर फंक्शन के फॉर्म में आ गया, एक्स टू द पावर ऑफ एन वाले फॉर्म में. सो दिस विल बिकम 1 ओवर 9 टाइम्स वी टू द पावर ऑफ नेगेटिव 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 3 प्लस 1, और एक हम कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर देंगे एंटी डेरिवेटिव के लिए. सो दिस विल बिकम 1 ओवर 9 टाइम्स वी टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 2 प्लस सी, या फिर नेगेटिव 1 ओवर 18 वी टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2 प्लस सी. वी की जगह पे जो सब्सटीट्यूशन हमने यूज़ किया था वो इधर पुट कर देंगे. सो दिस विल बिकम नेगेटिव 1 ओवर 18 2 प्लस 3 एक्स क्यूब टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2 प्लस सी.